तो मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे कमेंट सेक्शन में कि जिसमें लोग पूछ रहे थे कि मैं केडीपी में नया हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे कैसे बुक्स अपलोड करने चाहिए नो कंटेंट के अंदर। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता था कि करना क्या है मेरे को इसमें। तो मैंने सबसे इजी वाला उठाया और उसके अंदर ही नीच रिसर्च, जो कि मैंने पहले बना चुका है वीडियो उसके अंदर कि मैंने कैसे रिसर्च को निश को रिसर्च किया, कैसे केडीपी के कीवर्ड्स निकाले। तो सबसे पहले मैंने अपना नोटबुक और जर्नल ही उठाया था क्योंकि वो इजी था, उसके इंटीरियर में कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इजी था, उसको मैं बार बार यूज़ कर सकती थी इंटीरियर को और मैं सीख भी सकती थी। तो अगर आप उस स्टेज पे हैं तो मैं बोलूँगी कि नोटबुक ही बनाइए, और आपका काम और आसान करने के लिए मैं इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि आप केडीपी के अंदर अपने नोटबुक्स और जर्नल कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो पार्ट कवर करने वाली हूँ। पहला तो है कि केडीपी का कवर कैसे बनाना है नोटबुक के लिए, और दूसरी पार्ट है कि उसका इंटीरियर कैसे बनाना है केडीपी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कवर से। मैं पहला जो कवर के लिए डिज़ाइन जहाँ बनाऊँगी वो कैनवा है, एक टूल canva.com। यहाँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप जाके वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसा टूल है ये। ऑनलाइन टूल है, कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम इसका टेम्पलेट बनाएंगे, लेकिन कवर बनाने से पहले हमको साइज़ तो पता होना चाहिए ना कि कवर का साइज़ क्या हमको लेना है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू टैब में जाएंगे और आप लिखेंगे केडीवी कवर टेम्पलेट। ठीक है, केडीवी कवर टेम्पलेट लिखते के साथ आपको जाना है केडीवी कवर कैलकुलेटर पे, ये अमेज़ॉन ही बताता है इसलिए यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके बाद आप आते हैं बाइंडिंग टाइप पे। बाइंडिंग टाइप में आप हार्ड कवर बना रहे हैं तो आप हार्ड कवर लेंगे, या मैं यहाँ पेपर बैक ले रही हूँ। इंटीरियर में मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर ही लूँगी। पेपर टाइप में मैं वाइट पेपर ही लूँगी। पेज को टर्न करने का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। मेजरमेंट क्या है, तो मैं इंचेज में मेजरमेंट लूँगी। और ट्रीम साइज़ क्या है, मतलब आपका साइज़ क्या है इंटीरियर का, मतलब आपके बुक का साइज़ क्या है। तो वो है सबसे जो मिनिमम होता है वो होता है 5.8 इंचेस, क्योंकि ये सबसे बेसिक मैं बोलूँगी डिज़ाइन का लेंथ होता है और विड्थ होता है। और पॉकेट साइज़ जो मैं अभी बनाने वाली हूँ वो है 6x9 इंचेस। स्टैंडर्ड साइज़ जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 8.5x11 इंचेस। तो पॉकेट साइज़ अगर आप बनाना चाहते हैं, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, तो वो 6x9 ले सकते हैं हम। अब पेज काउंट में जो बेसिकली हम जो जर्नल और वर्कबुक और नोटबुक लेते हैं उसका आप अमेज़ॉन पे भी देखेंगे तो 120 नंबर ऑफ पेजेस लोग लेते हैं, तो मैंने भी वही लिया है। उसके बाद कैलकुलर डायमेंशंस, जैसे आप कैलकुलर डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे आपको ये सब दिखने लग जाएगा कि यहाँ पे ये क्या होता है, 6 नंबर क्या होता है तो स्पाइन होता है, 7 क्या होता है तो स्पाइन सेफ एरिया होता है। तो स्पाइन ये होता है जो बीच के बुक जो मुड़ता है ना उसको स्पाइन कहते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है इस टेम्पलेट को। जैसे आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ इसलिए मैं बार बार नहीं करूँगी। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवरऑल डायमेंशन इसका क्या है, 12.5x9.250। तो मतलब ये मेरा कवर साइज़ हुआ। ठीक है, ये इंचेस में है क्योंकि वहाँ पे मैंने इंचेस सेलेक्ट किया था ये कवर डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 12.520x9.250। तो इसका मतलब ये है कि हम कैनवा के अंदर जो हम ये साइज़ लेंगे ना, जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, वो कस्टम साइज़ में हम जाके यही वाला साइज़ लेंगे। तो मैं एक बार और इसको देख लेती हूँ ताकि मेरे से गलती मत हो। इसको मैं इंचेस में कन्वर्ट करूँगी और ये था 12.520 और ये इसका क्या है, 9.250। इसके बाद आप करेंगे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करने के बाद आप पहले इसका स्पाइन बनाएंगे जो ऐसा दिखता है, जो बीच में होता है जहाँ से मुड़ता है अपना बुक। स्पाइन बनाने के लिए आपको, जैसे आप ये डायमेंशन लेंगे आपको कुछ इस तरह का खुल के आएगा फोटो। उसके बाद आप जाएंगे अपलोड्स में। अपलोड्स में आपको जो ये आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से कवर, ये वाला जो चीज़ है उसको आपको कैनवा में अपलोड करना है। तो ये मैंने पहले ही कर लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपलोड्स में जाएंगे अपना, और जो हमारे ये डायमेंशंस है जो मैंने पहले ले रखा है,
उसको मैं ले लूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लेने के बाद मैं इसको पेपर में जितना हमारा साइज़ है उसको यहाँ पे इंक्रीज करके साइज़ में फिट कर दूँगी। ये हो गया हमारा साइज़ फिट। अब ये जो बीच में है ये स्पाइन है, तो अब हमको ये भी बनाना है अपने कवर में। उसके लिए मैं एक स्क्वायर लूँगी और इसको इसका साइज़ घटा के मैं इसका साइज़ कर दूँगी और बस इसको एक्सटेंड कर दूँगी। एक्सटेंड करने के बाद अब आपको दिख रहा है कि स्पाइन के ऊपर मैंने स्पाइन बना लिया है, तो हमको इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना होगा, तभी तो हमारा कवर बनेगा। अब डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? डिज़ाइन बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं अभी एक बस आपको बेसिक तरीका बता रही हूँ। उसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसको बोलते हैं wixy.com। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पे मैं फ्लावर पैटर्न ले रही हूँ। यहाँ पे फ्री और पेड दोनों होता है, आप फ्री वाला ही चूज़ करिए क्योंकि आप ऑब्वियसली आप नए हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए डिज़ाइन जो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं लेना चाहूँगी, ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है वैसे तो आप कोई भी डिज़ाइन ले लीजिए। चलिए मैं यही डिज़ाइन ले लेती हूँ। इसको लेने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको कैनवा के अंदर अपलोड करना है। सीधे सीधे आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ इसको फिर ये आ जाएगा आपका जेपीजी। कैनवा में जाइए और यहाँ से आपकी जेपीजी फाइल जो है सॉरी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने बस। उसके बाद इसको आप ले लीजिए और इस इमेज को आप एडजस्ट कर दीजिए ऐसा। फिर इसको मैंने डुप्लीकेट किया और मैंने यहाँ भी लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे प्रियंका आप इसको लेके ऐसे करके एक्सटेंड भी तो कर सकते थे, ज़रूर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। मैंने नहीं किया क्योंकि फिर वो उसका पिक्सल जो होता है पिक्चर का वो फट सा जाता है और ये हमको नहीं चाहिए। तो लोग करते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मत ही करिए तो बेटर रहेगा। तो अभी यहाँ से ये मुझे बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। अभी मैं इसको डिज़ाइन फ्रंट का बना लेती हूँ। तो चलिए ये क्लियर ले लेते हैं। इसमें मेरे को लिखना है कुछ नोटबुक समथिंग लाइक दैट। तो आप थोड़ा सा फंकी लुक चाहते हैं तो ऐसा साइज़ अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ आप कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ भी ले सकते हैं अपने चॉइस से। मैंने बस अपने चॉइस से ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा ले लीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाइए, ऐड अ हेडिंग और आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं नोटबुक, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। अगर आपको इसका फॉन्ट बदलना है तो आप फॉन्ट यहाँ से बदल सकते हैं, कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका कवर। अब हमको स्पाइन पे टेक्स्ट लिखना है। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि स्पाइन है ये, इस पे भी हमको टेक्स्ट लिखना होता है। और एक और वीडियो में मैंने जब रूल्स और रेगुलेशंस की बात की थी टाइटल्स और सब टाइटल्स में, उसमें भी मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं अपने कवर पे और जो हम अपने टाइटल लिखने वाले हैं वही हम यहाँ स्पाइन में भी लिखते हैं। तो एग्जैक्टली वही मुझे यहाँ भी करना है। तो नोटबुक है मेरा, लेकिन मुझे तो देखना पड़ेगा कि उस मेरा साइज़ एग्जैक्टली मुझे चूज़ क्या करना है। तो मैं क्या करूँगी कि ये फ़ोटो लूँगी फिर से जो हमारा साइज़ था कवर का, और उसको फिर से एक्सटेंड करूँगी। और यहाँ नोटबुक मुझे चाहिए तो ये नोटबुक को मैं डुप्लीकेट कर लूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद इसकी साइज़ में घटाऊँगी। ये कहाँ गया फ़ोटो, ये रहा। ये छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहेंगे, मैं
मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, तो थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे। फिर आप इसको 90 डिग्री पर कर लीजिए, और आपको इस गैप में जो ये वाइट वाला गैप दिख रहा है ना, वहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया, साइज से कोई मैटर नहीं होता, बस आपको ये वाइट वाले में एडजस्ट करना होता है। ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया। अब मेरे को इसका कोई काम तो है नहीं, अब मैं इसको सीधे सीधे यहाँ से डिलीट कर दूँगी, है ना। ये हो गया हमारा कवर, हमारा बन गया, ये अच्छा भी दिख रहा है। अगर आपको स्पाइन का कलर चेंज करना है तो आप जाके स्पाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे रखना है तो ये और भी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा कवर। अब आप सोच रहे होंगे चलो हमारा कवर तो बन गया, अब इंटीरियर कैसे बनाना है ना। अब इंटीरियर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। पहली बात जो हमको ध्यान में रखना है वो ब्लीड। ब्लीड क्या होता है? ब्लीड जो होता है, जो हम अपना ये नोटबुक बनाते हैं तो आप देखते हैं जो हमारा लाइन स्पेस मतलब लिखने वाला रहता है वो एकदम अंतिम तक जाता है, जहाँ हम अपने कॉपी पे लिखते हैं, रूलदार जिसको हिंदी में बोलते हैं, रूलदार कॉपी पे लिखते हैं तो एकदम यहाँ तक जाता है, अंतिम तक, है ना। तो वो उसके लिए हमको कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे लिखा भी है कि ब्लीड का क्या है। ब्लीड इज़ अ प्रिंटिंग टर्म दैट रिफर्स टू व्हेन प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ पेज सच एज इमेजेस, बैकग्राउंड कलर्स और ग्राफिक एक्सटेंड पास्ट वेयर द एप्लीकेशन विल बी ट्रिम्ड। वही मैं बोल रही हूँ कि वो एकदम लास्ट तक जाता है, रूलदार, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब प्रिंटर वाला हमारा जो अमेज़ॉन का जब प्रिंट करता है ना आपका, मान लीजिए आपका ऑर्डर हुआ, अब उसको प्रिंट करना है, तो उसमें कुछ सेक्शन कटता है, ऊपर से भी कटता है, वर्टिकल से भी कटता है, नीचे से भी कटता है, तो उसके लिए हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं ब्लीड। और वो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं विड्थ और हाइट में 0.125। तो अब इस कैलकुलेशन को हम लेते हुए अपना इंटीरियर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंटीरियर बनाते हैं। यहाँ से आप सीधे जाएंगे, और यहाँ से भी आपको जाने की जरूरत नहीं, चलिए यहीं से ले चले जाते हैं। तो हमारा कवर तो हो गया था, अब हमको जाना है इधर। अब हम करेंगे क्रिएट अ डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन के अंदर हमारा डिज़ाइन इंचेस में ही रहेगा ऑब्वियसली, और हमारा डिज़ाइन रहेगा 6x9 लिया था हमने, तो जब मैं ब्लीड जोड़ती हूँ तो 6.125 × 9.250, ठीक है। अब क्रिएट कर देंगे न्यू डिज़ाइन। ये अनरिस्पॉन्सिव क्यों हो गया? ये छोटा मोटा इंटरप्शन होता रहता है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। सो देखिए, ये हो गया हमारा ये डिज़ाइन मतलब इंटीरियर का साइज, ठीक है। अब इसमें हमको वो रूलदार वाला अपना नोटबुक बनाना है। इसके लिए हम जाएंगे एलिमेंट्स में, फिर हम जाएंगे लाइंस एंड शेप्स में। लाइंस एंड शेप्स में जाने के बाद हम अपना ये एक लाइन ले लेंगे, इसका बहुत मोटा लग रहा है ये मुझे, तो इसका वेट हम घटा देंगे यहाँ से 1, 2 जो भी है उसका। अगर वो कलर भी इसका चेंज करना है तो आप जाके यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको साइज ऊपर से छोड़ते हुए कुछ स्पेस, और आप इसको एक्सटेंड करके लास्ट तक बना लेंगे। इसको बनाने के बाद आप इसको सीधे सीधे यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, कुछ यहाँ पे साइज छोड़ेंगे मतलब बीच में डिस्टेंस, और फिर इसको आप पुट कर देंगे। सिमिलरली फिर से आप इसको डुप्लीकेट करेंगे और ऐसे ऐसे पुट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह अब जब आपका 4-5 लाइन बन जाएगा तो आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करने के बाद आप इसको डुप्लीकेट करिए। जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो देखिए आपके पास एक साथ बहुत सारी लाइनें बन के आ जाएंगी। तो बस आपको इसी तरह करते जाना है, साइज एडजस्ट करके लास्ट तक। अब मैं लास्ट तक बनाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने बस आपको समझा दिया कि मैं कैसे कर रही हूँ मैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि कैनवा जो है, जो एक बार जब आप डिज़ाइन बनाने बैठते हैं तो वो 100 पेजेस तक अलाउ करता है, और हमने यहाँ पे क्या चूज़ किया था, हमने चूज़ किया था कि हमको भैया चाहिए 120 पेज। तो अब 100 पेज ही अलाउ कर रहा है तो 120 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको पूरा करके यहाँ से डुप्लीकेट करते जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे 20 तक। 20 तक करने के बाद आप यहाँ डाउनलोड में जाएंगे
और यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट करेंगे और सीधे सीधे डाउनलोड कर लेंगे। तो 20 पेज तो आपका डाउनलोड हो गया। उसके बाद फिर आप 20 को 100 कर देंगे, इसी तरह डुप्लीकेट करते करते 100 हो जाएगा। फिर आप जाएंगे डाउनलोड में, आप यहाँ पे फिर से पीडीएफ प्रिंट चूज़ करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास दो फाइलें मिल जाएंगी, एक 20 पेज की, एक 100 पेज की। अब आप बोल रहे होंगे कि हमको तो 120 पेज का चाहिए था, ये तो 100 और 20 अलग अलग हो गए। तो कोई बात नहीं, अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, मर्ज पीडीएफ करके एक ऑप्शन आता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑनलाइन ही है, डाउनलोड नहीं करना है। सीधे यहाँ जाना है और अपने 20 पेज और 100 पन्ने वालों को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे पीडीएफ फाइल्स के अंदर। और अब आप इसको अपलोड करके और मर्ज कर देंगे बस फ्री में, और फिर डाउनलोड कर लेंगे तो आपका इंटीरियर भी तैयार, कवर भी तैयार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और क्लियर कर दूँगी, है ना। तो आई होप आपको इन्जॉय किया होगा आपने वीडियो, आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मैं गिफ्ट दे रही हूँ कि आपको ये लाइन जो है जनरल, वो मैं आपको एज अ गिफ्ट भी दे रही हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। आप जा सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर फ्री, यस फॉर फ्री। सो मैं बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आई होप आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे जल्दी से हो जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने किया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए और गॉड ब्लेस।